अंधाधुन और द रेसम जैसी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी मूवी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में बात करेंगे जो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगी। तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 5 पर आती है डार्क कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री मूवी, एंड यकीन करो इस मूवी के फैन हो जाओगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि इसकी कहानी कुछ अलग है, नहीं, कहानी बहुत सिंपल है। दिल्ली के एक क्लब में जहां सिर्फ रिच पीपल जाते हैं, वहीं एक फिटनेस कोच की डेथ हो जाती है, जिसके बाद दो सिंसियर पुलिस ऑफिसर इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड ये कहानी आप ज्यादातर मर्डर मिस्ट्री मूवी में देख चुके हो। एंड जो बात इस मूवी को डिफरेंट बनाती है वो है इस मूवी का प्रेजेंटेशन और पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर, जो पूरा टाइम आपका अटेंशन ग्रैब करके रखता है। तो 7 IMDb रेटिंग के साथ नंबर 5 पर आती है मर्डर मुबारक मूवी। स्टार्टिंग से अपने सस्पेंस से आपको एंगेज करके रखती है, अपने डार्क कॉमेडी से एंटरटेन करती है, ऊपर से क्लाइमेक्स का टर्न एंड ट्विस्ट बाकी में अनप्रेडिक्टेबल था। आपका ध्यान कभी खोने की तरफ जाएगा ही नहीं, तो अमेजिंग मूवी है, नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हो। शायद हद से ज्यादा खून बहने से इसकी मौत हो गई। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी सर। ये मूवी एक बॉलीवुड मूवी नहीं, लेकिन अगर आप एक इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी देख सकते हो। तो कहानी है एक ऐसे खूनी की जो एक के बाद एक आदमी का खून करता है और उन्हें मारने के बाद एक हैप्पी बर्थडे का नोट भी छोड़ता है। तो ये साइको कौन है, क्यों ये इतने खून कर रहा है, एंड इतने खून करके ये साबित क्या करना चाहता है, ये सब मिस्ट्री एक पुलिस ऑफिसर सॉल्व करता है, जो खुद भी अपनी बीवी और बच्ची को खोने के गम में मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो नंबर 4 पर आती है अब्राहम ओजलर, जो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। एंड मूवी स्टार्टिंग से ही आपको एंगेज करके रखती है। इस साइको का खून करने का तरीका, जयराम का इन्वेस्टिगेशन सीन, एंड मूवी में फैंटेसी एक्टर का कैमियो, कहानी का इमोशनल ट्विस्ट एंड टर्न, ये सब आपको मूवी एंजॉय करने में मजबूर कर देगी। तो आप इस मूवी को डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हो। एक जीनियस मैथमेटिशियन, एक सातिर पुलिस ऑफिसर एंड एक सिंगल मदर, इन तीनों को एक चीज आपस में कनेक्ट करती है, वो है एक आदमी जिसका कहानी में खून हुआ है, बट पुलिस को अभी भी इसकी लाश नहीं मिली। तो क्या पुलिस उस खूनी को पहचान पाएगी, क्या पुलिस उस आदमी की डेड बॉडी ढूंढ इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगी। तो ये मूवी हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है, जिसका नाम है जाने जहां, और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 की है। बेसिकली एज अ व्यूअर ज्यादा बातें आपको मालूम होंगी, इसके बाद भी आप इसकी कहानी में एंगेज रहते हो कि आगे क्या होने वाला है, क्या खूनी पकड़ा जाएगा। एंड जिस तरह चूहे बिल्ली का गेम देखने को मिलता है, जिसमें एक जीनियस ऐसा चक्रव्यूह रचता है कि सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर देख नहीं पाता, तो अमेजिंग मूवी के साथ अमेजिंग स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 2 पर आती है मेरी क्रिसमस। इस मूवी की राइटिंग उस शराब की जैसे है जिसका नशा धीरे धीरे चढ़ता है। जैसे मूवी के फर्स्ट 30-40 मिनट में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आप देखोगे कि दो अनजान शख्स हैं जो इत्तेफाक से मिल जाते हैं, एंड दोनों के बीच प्यार भी जग जाता है। बट यहीं आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एक आदमी के खून के रूप में, जो अचानक से वक्त और जज्बात भी बदल जाते हैं। एंड ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता और आगे भी ट्विस्ट एंड टर्न बैक टू बैक आते रहेंगे, जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। एंड मैं आपको बता दूं तो इस फिल्म को उसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है जो पहले भी अंधाधुन जैसी कमाल की फिल्म बना चुके हैं। तो 7 की IMDb रेटिंग के साथ नंबर 2 पर आती है मेरी क्रिसमस, जिसमें आपको विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे। मूवी के फर्स्ट हाफ में ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट सेकेंड हाफ का एक एक सीन आप काफी ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि जो इसकी ट्विस्टेड मर्डर मिस्ट्री कहानी है, जो विजय सेतुपति की नेचुरल एक्टिंग है, वो आपका मजा डबल कर देगी। और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। वो उसे मार डालेगा सर। हेलो मैडम, वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसा। जबरदस्ती? और बात करें इस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की, जिसके एक एक सीन से आपकी धड़कन बढ़ाएगी। कहानी में एक बंदा है जो बिना कुछ किए ही सब कुछ कर देता है। तो कहानी है एक शैतान की, जिसकी नजर एक फैमिली को लग जाती है, एंड वो काला जादू से उस फैमिली के एक बच्ची को अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद वो लड़की उस शैतान के इशारों पर नाचने लगती है। तो ये शैतान उस लड़की के साथ क्या करना चाहता है, कैसे वो फैमिली उस शैतान से बचेगी, तो ये सब जानने के लिए आपको उस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 1 पर आती है शैतान, जिसमें अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका और जानकी बोधीवाला लीड रोल में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी आपको दृश्यम की फील देगी, क्योंकि इस मूवी में भी एक हैप्पी फैमिली होती है। इस मूवी में इतना थ्रिल है
कि आपकी सांसें थम जाएंगी और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे। और आपने इस मूवी को स्टार्ट कर दिया तो एंड तक ख़त्म करके छोड़ोगे, क्योंकि इस मूवी का एक एक सीन्स थ्रिल और इमोशनल से भरा हुआ है। तो अमेजिंग मूवी है एंड आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। वैसे ऐसी वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है, तो मेरी मेहनत का ख्याल करते हुए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।